कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 इसका काव्य खंड का दूसरा पाठ है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने इसमें रामचरितमानस के बाल कांड से राम लक्ष्मण परशुराम शब्द के की चौपाइयाँ इसमें लिखी हैं। यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद होता है उसका वर्णन किया गया। पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विच्छेद हो गया था और कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। जिस समय में तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय में लोगों में मानवीय मूल्य कम हो रहे थे, धर्म के प्रति लोगों की आस्था क्षीण हो रही थी और उनके बारे में ये मान्यता है कि बचपन में ही जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुंह में दांत थे और वह मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और गुरुओं की कृपा से संतों के बीच में रहते हुए उनका जीवन व्यतीत हुआ और उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। उनके विषय में एक और किंवदंती प्रसिद्ध है कि जिसमें कहा जाता है कि जब उनका विवाह हुआ रत्नावली नाम की एक स्त्री से तो वो उसे बड़ा ही प्रेम करते थे और जब वो एक दिन अपने मायके चली गई तो ये भी आंधी तूफान की चिंता किए बिना आधी रात में ही उसके घर पर पहुँच गए, जिसके कारण उसके मन में बड़ी ही लज्जा की भावना आई और उन्होंने तुलसीदास जी को बहुत धिक्कारा और उन्होंने धिक्कारते हुए भी कहा था कि अस्थि चर्म मम देहता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में तो क्यों ना हो भवनी थी। तो उन्होंने कहा कि जैसी प्रीति तुमको मेरे इस हड्डी और मांस के बने हुए शरीर से है, अगर ऐसी ही प्रीति तुम्हें श्री राम के चरणों से हो तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाए। और कहा जाता है कि उसी समय वो वापस लौट आए और उसके बाद वो फिर दोबारा वहाँ नहीं गए। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। तुलसीदास का काव्य में काव्य संग्रह भी अतुलनीय है। हिंदी भाषा को इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा अपने दोहे चौपाइयाँ पदों से काफ़ी समृद्ध किया है। भाषा अवधि और ब्रज दोनों का ही इन्होंने प्रयोग किया मगर ज़्यादातर इन्होंने अवधि भाषा में ही अपना साहित्य लिखा है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस ने तुलसीदास जी को पहचान भी दी थी। रामचरितमानस उस योग के एक अभूतपूर्ण योगदान तुलसीदास जी का कहा जा सकता है जिसमें उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जिस समय में लिखी थी उस समय में का जो सामाजिक स्थिति थी या राजनीतिक स्थिति थी वो बड़ी संघर्षमय थी। धर्म का ह्रास हो रहा था, जबरदस्ती या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे और लोगों का मानवीय मूल्यों से और धर्म के प्रति आस्था क्षीण हो रही थी। उस समय में रामचरितमानस का निर्माण कर तुलसीदास जी ने समाज में मर्यादा की स्थापना की, नीति की, स्नेह की, शील की, विनय की, त्याग के एक मनोरम उदाहरण उन्होंने लोगों के सामने रामचरितमानस के द्वारा रखा। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता में बहुत लोकप्रिय हुई है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। मैंने पहले ही भी आपको बताया कि दोनों ही भाषा में उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। जो उस समय की काव्य रचनाएं थी जैसे छंद, चौपाई, दोहे, सोल्ठे, हरिगीतिका आदि अन्य जितने भी छंद हैं उन सभी छंदों में उन्होंने काव्य की रचना की और सभी छंदों का उन्होंने प्रयोग किया। कवितावली के सवैये और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य उत्कृष्ट रूप से
विद्यमान है। उन्होंने कुछ प्रबंध काव्यों की भी रचना की तो कुछ मुक्तक काव्यों की भी। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जो विस्तार से लिखा गया हो, जिसमें जीवन के सभी घटनाओं को का समावेश हो। जैसे उपन्यास वगैरह होते हैं, जैसे रामचरितमानस में उन्होंने राम के संपूर्ण जीवन घटनाओं का वर्णन किया है। और मुक्तक कहा जाता है जो किसी एक भाग को लेकर के लिखा गया हो, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि उनकी मुक्तक रचनाएँ हैं। इस समय जो आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत चौपाइयाँ हैं वह रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष को भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह संवाद प्राप्त होता है तो वे क्रोधित होकर के वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देख करके आपे से बाहर हो जाते हैं। जब परशुराम को पता चलता है कि राजा जनक के यहाँ उन्होंने जो शिव धनुष को रखा हुआ था, राजा जनक के संरक्षण में जिस धनुष को उन्होंने रखा हुआ था वह अब खंडित हो चुका है, और जब वो यह समाचार पाकर के राजा जनक के दरबार में आते हैं और वाकई में वहाँ पे धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उनका क्रोध अपने चरम पर पहुँच जाता है। राम के विनय, विश्वामित्र के समझाने तथा राम की शक्ति परीक्षा करके लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्होंने जो राम और लक्ष्मण के बीच में जो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होता है जिससे उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके बाद राम की विनम्रता उन्हें उनके क्रोध को शांत करती है और विश्वामित्र भी उन्हें समझाते हैं। तब जाकर वो जब राम की फिर शक्ति की परीक्षा ले लेते हैं तब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वाकई में इस धनुष का खंडन राम ने किया, और फिर उनका गुस्सा शांत होता है और वहाँ से जाते हैं। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। राम के, परशुराम के और लक्ष्मण के बीच जो संवाद हुआ, संवाद माने जो आपस में बातचीत हुआ, और उसे यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, और यहाँ पर जो प्रस्तुत चौपाइयाँ हैं आपके पास, इसमें परशुराम जो क्रोध से भरे हुए हैं और वो क्रोध से भर करके जो बातें कहते हैं उन वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण अक्सर व्यंग से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी हुई व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। लक्ष्मण ने जो वीर, जिसमें वीर रस भी है और व्यंग भी है, व्यंगोक्तियाँ जो व्यंग के रूप में कही गई उक्तियाँ हैं और व्यंजना शैली का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसका पहला चौपाई है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होही को एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवक सो जो करे सेविकाई, अरी करनी करी करी लराई, सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जेही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अब माने, बहु धनही तोरी लरिकाई, कभौ न असिरी किन्नी गोसाई, एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे निरप बालक काल बस बोला तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर जब परशुराम राजा जनक की सभा में आते हैं और शिव के धनुष को वो टूटा हुआ देखते हैं, वहाँ पे उपस्थित सभी राजाओं को देखते हैं तो उनका क्रोध काफ़ी बढ़ जाता है, और वे राजा जनक को लक्ष्य करके उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। उस समय में राम आगे बढ़कर बने विनम्रतापूर्वक उनके सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, नाथ स्वामी मालिक शंभुधनु शिव का धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला, हे नाथ इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो ही को एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा एक दास ही हो सकता है। ठीक है, अपनी विनम्रता से राम हाथ जोड़ करके परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई दास ही हो सकता है, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु आज्ञा कह माने कहिए, कहिए किन मोही, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। और राम विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ हे स्वामी हे मालिक आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास ही हो सकता है,
आप कि जिस पर कृपा हो वही हो सकता है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है आप मुझे कहें। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और राम के इन वचनों को सुन करके मुनि यानी विश्वामित्र नहीं परशुराम भी क्रोध से भर करके उन्होंने कहा, सुनी माने सुनकर, रिसाई क्रोध से भर कर बोले मुनि को ही, अत्यधिक क्रोध वाले मुनि ने क्रोध से भर करके उनकी राम के इन बातों को सुन करके उनसे कहा।